रिलैक्स होगी, संकुचित होगी और रिलैक्स होगी। इस प्रकार से फूलती और संकुचित होती है, फूलती और संकुचित होती है, इसको बोलते हैं पल्सेशन। और ये फूलती और संकुचित क्यों होती है, ये इसके कारण होते हैं ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शंस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रेक्शन से होती है। तभी लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रेक्ट करता है तो ब्लड पंप होता है किसमें, आर्टरी पे। उस ब्लड पंप होने से आर्टरी क्या होती है, संकुचित एंड एक्सपेंशन होती है, यानी एक्सपेंशन एंड रिकॉल होती है, फूलती एंड चिपकती है, सिकुड़ती है, फूलती एंड सिकुड़ती है। अब इसी को फूलना और सिकुड़ना हम एक मिनट तक क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करते हैं। कितने मिनट तक, एक मिनट तक ये कितनी बार यानी एक्सपेंशन और रिकॉल हो रही है। एक मिनट में ये जितने टाइम, यानी कि पर मिनट में ये जितने टाइम रिकॉल और एक्सपेंशन होती है उसको बोलते हैं पल्स रेट। क्या बोलेंगे, पल्स रेट। अब एक मिनट में ये लगभग रेंज में कितनी बार संकुचित एक्सपेंशन एंड रिकॉल हो जाती है, 60 to 100 बीट पर मिनट, राइट। अगर मैं इसका एवरेज लिख दूं, एवरेज कितना आएगा, 72 बीट पर मिनट, राइट। अगर इसे कम हो जाए, लेस देन डिक्रीज हो जाए 60 से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, इसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। क्या बोलेंगे इसको, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया का मीन्स होता है पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, यानी कि ब्रेडीकार्डिया किसको बोलेंगे, पल्स रेट लेस देन ठीक है, लेस देन 60 बीट पर मिनट। ये 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेडीकार्डिया बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। अगर 100 से, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, अगर इनसे क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, 100 से क्या हो जाए, इंक्रीज, तो 100 से इंक्रीज होना उसको बोलेंगे क्या, टेकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया किसे बोलेंगे, यानी कि मोर देन पल्स रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट। नॉर्मल कितनी होती है, रेंज में होती है 60 से 70। एवरेज कितनी होती है, 72 बीट पर मिनट। उसको ऑन कर दे यार। चलो ठीक है, यहां तक ये बात समझ में आई, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है नॉर्मल पल्स रेट किसकी होती है बेटा, ये नॉर्मल पल्स रेट होती है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। नॉर्मल पल्स रेट होते है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल पल्स रेट फीटल की कितनी होती है, इन्फेंट की कितनी होती है, प्री स्कूल और चिल्ड्रन की कितनी होती है, एडल्टहुड की कितनी होती है, लेट एडल्टहुड की कितनी होती है, ओल्ड एज में कितनी होती है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे फर्स्ट लाइन लिखे इसमें, नॉर्मल पल्स रेट मेन हेडिंग है। ये तो आपने लिख लिया था, लिखा था कि नहीं, पहले समझ लो बाद में लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल फिटल हार्ट रेट, फर्स्ट नॉर्मल फिटल हार्ट रेट, यहाँ पे बेटा कंफ्यूजन होता है। अगर वो फेटस पूछता है तो बच्चा पेट के अंदर है, याद रखना। अगर फेटस कहा जाता है तो बच्चा कहाँ है, पेट के अंदर। अगर वो इन्फेंट कहता है तो बच्चा डिलीवर हो चुका है, वो बेबी फिटस। और फिटस के अंदर जो नॉर्मल पल्स रेट होती है,
ये थोड़ी स्लाइटली क्या होती है, इन्फेंट से ज्यादा होती है। किसे ज्यादा होती है? इन्फेंट से ज्यादा। ये होती है 140, 140 से लेके 160 बीट पर मिनट। ये क्वेश्चन नोट सेट में पूछा गया है, कई बार एमपीसीएचओ में भी पूछा गया है और अदर एग्जाम भी पूछा गया है कि नॉर्मल फिटल पल्स रेट कितनी होती है, 160 से 140 से 160, राइट। अगर 160 से 180 आ रही है तो फिटल टैकीकार्डिया, समझ रहे हो आप, फिटल के अंदर है। अब इसके बाद सेकंड फिटस की बात कर ली, अब बात करते हैं कि इसके न्यूनेट या फिर इन्फेंट की बात करते हैं, राइट। अब न्यूनेट में भी कैटेगरीज है, कितनी कैटेगरीज है, दो। एक तो बच्चा जस्ट डिलीवर हुआ है और अभी 28 दिन भी नहीं हुए हैं, 28 डेज, तो उसको न्यू बॉर्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे? न्यू बॉर्न या फिर न्यूनेट बोलेंगे। अगर बच्चा 29 से 1 ईयर तक का है, 29 से मतलब यानी 29 डे से लेके 1 ईयर, 1 मंथ से लेके 1 ईयर का बच्चा है, उसको बोलेंगे इन्फेंट, राइट। और 1 ईयर से लेके 2 ईयर या 3 ईयर का है तो टॉडलर। फिर प्री स्कूलर 3 to 6, 6 to 12 स्कूलर। देन उसके बाद अर्ली एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड, एडोलेसेंस आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो सेकेंड न्यू बॉर्न, आप समझो पहले न्यू बॉर्न को हम क्या बोलेंगे, न्यू बॉर्न को हम न्यूनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? न्यूनेट भी बोल सकते हैं, न्यूनेट बोल दो, न्यू बॉर्न बोल दो, राइट। इसकी जो पल्स रेट होती है, ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। न्यू बॉर्न लिख दिया ना मैंने, इन्फेंट होता है वो, अर्ली इन्फेंट, अर्ली इन्फेंसी, ठीक है। इसमें इसमें भी दो होता है, एक तो होता है 1 to 7 और एक होता है 8 to 28। पीडियाट्रिक जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ये भी अर्ली न्यू बॉर्न हो गया और इसको लेट न्यू बॉर्न बोलते हैं, अर्ली न्यू बॉर्न एंड लेट न्यू बॉर्न। इसके बाद इन्फेंट स्टार्ट होता है, अभी बच्चा हुआ 7 दिन का नहीं हुआ है तो अर्ली न्यू बॉर्न, 8 दिन का हो गया है तो न्यू बॉर्न, अगर 31 दिन का हो गया है तो उसको हम बोलेंगे इन्फेंट। बेटा पहले हार्ट में मास नहीं है, टूट जाएंगे तो बहुत पीड़ाएं होगी, है। इसके बाद इसका जो नॉर्मल हो, इधर देखो, ये 140 से 160 बीट पर मिनट होता है किसका, फिटल हार्ट रेट। और जो न्यूबॉर्न की जो पल्स रेट होती है, पल्स रेट ही हार्ट रेट है, कंफ्यूजन मत होना, पल्स रेट ही हार्ट रेट है, राइट। इसकी जो रेट होती है, ये होती है 122-140 बीट पर मिनट। यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं, बच्चे 140-160 में इन्फेंट की, न्यूबॉर्न की पूछा है तो इसमें क्लिक कर देते हैं। अब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। 140 से 160 किसकी है, फिटल की, और 120 से 140 किसकी है, न्यूबॉर्न की। कंफ्यूजन नहीं होंगे। देन इसके बाद अब बच्चा बड़ा होगा तो न्यूनेट से किधर रन करेगा, इन्फेंट की ओर, तो लिखो इन्फेंट। थर्ड पॉइंट, आज रेड कहाँ गया बेटा, उधर इन्फेंट। मैम ने मोटे मोटे कर दिया, अच्छे दिख रहे हैं। इन्फेंट, इन्फेंट की अगर हम पल्स रेट की बात करें, इन्फेंट बेटा, ये अगर आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ, जो न्यू बॉर्न्स होता है ये होता है 0 डे से लेके 28 डेज का, ठीक है। और इसके बाद जो इन्फेंट होता है, ये इन्फेंट होता है 29 डे से लेके 1 ईयर का, तो आप यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि तीनों की ही पल्स रेट क्या होती है, अलग अलग आती है। क्या आती है बेटा, अलग अलग आती है। इसकी जो पल्स रेट होती है वो होती है 115-130 बीट पर मिनट। कितनी होती है, 115 से
130 बीट पर मिनट होती किसके, इन्फेंट की, इन्फेंट किसे बोलेंगे, लेबर के 29 डे से लेके 1 ईयर के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे। यहां तक आपको समझ में आया। देन उसके बाद जो 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड होता है किसको बोलते हैं, टॉडलर। यानी कि मैं लिख रहा हूं थ्री ईयर ओल्ड चाइल्ड, समझ आओगे, 1 to 3 ईयर्स इज कॉल्ड टॉडलर स्टेज, टॉडलर बोलेंगे इसको। अगर आप इस जगह टॉडलर आ जाता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या आ जाए, टॉडलर आ जाए। यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और हर एग्जाम में आता है, टॉडलर आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब टॉडलर में क्या होगा कि और थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आदमी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पल्स रेट डाउन होती हुई चली जाती है और ओल्ड एज में और डाउन हो जाती है, क्योंकि आर्टरी थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो प्रॉपर उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। एक होता है अथेरो स्क्लेरोसिस, एक होता है आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस। ध्यान रखना, आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस का मींस होता है हार्डनेस ऑफ आर्टरी, हार्डनेस ऑफ आर्टरी, और अथेरो स्क्लेरोसिस का मींस होता है ब्लॉकेज इन आर्टरी, लिपिड का ब्लॉकेज हो जाए, कोलेस्ट्रॉल प्लेटलेट डिपॉजिट हो जाए, उसे की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए, परफ्यूजन डिक्रीज हो जाए, उसका हम बोलेंगे अथेरो स्क्लेरोसिस। आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, अथेरो स्क्लेरोसिस, हार्डनेस ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस, ब्लॉकेज प्रेजेंट इन आर्टरी इज कॉल्ड अथेरो स्क्लेरोसिस। एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इनमें आपको डरना, टोडलर 90, इसका लिखना है 90 से, कलर चेंज करना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ता है 90 से 100 बीट पर मिनट। अब इस 100 को छोड़ना नहीं है आपको, टॉडलर के बाद पीछे की वैल्यू को छोड़ना नहीं है, अभी यहां से स्टेबल हो जाती है, समझ में आ रहा है। अब फिर चेंजेस किधर होगा, आगे की वैल्यू पे चेंजेस होगा, इधर तो दोनों आगे और पीछे चेंजेस हो रहा था, लेकिन अब इसके बाद टॉडलर के बाद ईयर जितना भी टॉडलर 3 ईयर के बाद जितने भी आपसे पूछा जाए, पीछे की वैल्यू तो 100 ही रहेगी, चाहे वो एडल्ट ही हो या ओल्ड एज में थोड़ी स्लाइटली कम हो जाती है, लेकिन उसकी रेंज भी, अगर ओल्ड एज में ऐसा बोला जाता है 40 to 100 कर दी जाती है, एडल्ट में कितनी कर दी जाती है 60 to 100, यानी कि ये टॉडलर से स्टेबल हो जाती है। इस बात का याद रखना, टॉडलर के बाद हम पीछे की वैल्यू को हाथ में नहीं लगाते हैं, वो 100 में फिक्स कर देते हैं। अब उसके आगे की जो वैल्यू आती है उसी में हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ये बात समझ में आई अरमान, मैं क्या समझाना चाहता हूं, आ रही। अब देखो इधर, 3 ईयर ओल्ड की कितनी, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड की यानी कि टोटलर की पल्स रेट, हार्ट रेट कितनी थी, 90 से 100 बीट पर मिनट। अब आपसे पूछा जाए, ये तो 3 हो गया, फिर 4 to 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड की कितनी होगी, ये प्रीस्कूलर में आता है, लेकिन बेटा ये इसलिए मैंने नहीं लिखा, इसके ब्रैकेट में नहीं लिखा ना मैंने, क्योंकि ये जंप कर गया ना, दो 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 स्टेप को जंप कर रहा है, प्रीस्कूलर और स्कूलर को, तो इसलिए मैं इधर नहीं लिख पाया, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन हो जाओगे कि सर वो तो 3 to 6 होता है, ये तो 4 to 8 है, तो उधर का भी कवर कर रहा है स्कूलर को और इसको भी कवर कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे साल लिखा है, समझ रहे हो आप। 4 to 8 ईयर के बच्चे की जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वह होती है, इसको ऐसे कैसे लिख लेना है, 100 बीट पर मिनट, समझ रहे हो आप। मैंने कहा पीछे की को छेड़ना नहीं है, पीछे को छेड़ना नहीं है, सिर्फ आगे चेंजेस करना है। ये कितनी हो जाएगी, 86 से 100 बीट पर मिनट इसकी हो जाएगी, 4 से 8 साल ओल्ड चाइल्ड की पल्स रेट हो जाएगी। यहां तक एनी डाउट, सब कुछ क्लियर है, अभी तक किसी को कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो ऐसा कुछ नहीं है। देन इसके बाद 6 पॉइंट,
सिक्स पॉइंट में 8 to 15 ईयर्स, 8 to 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड, इसको भी हम चाइल्ड ही बोलते हैं। 8 to 15 ईयर है, इसको भी हम चाइल्ड ही बोलते हैं। लगभग 12 साल तक बच्चे ही रहते हो आप, ऐसा पापा थोड़े बन जाते हो 12 साल के बाद, ऐसा तो नहीं है ना। वो पहले होता था, पहले के युगों में चलता था ऐसा, पहले के युग में चलता था कि 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए परफेक्ट तरीके से मैच्योर मान ली जाती है। लेकिन अभी संविधान नहीं मानता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वास्तव में वह लड़की उस टाइम पे मैच्योर नहीं होती थी। प्यूबर्टी आना इट मीन्स मैच्योरेशन का साइन है, लेकिन मैच्योर नहीं हुई है। तभी तो 14 को बढ़ा के 18 किया, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी ओल्ड एज वाले पर्सन से की जाती थी, तो उन लड़कियों की बोन फ्रैक्चर हो जाती थी, बोन डिसलोज हो जाती थी, सेप्टेड हो जाती थी, तो उसको रोकने। लेकिन अभी हो भी रहा, कानून रोक रहा है, लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, बैकवर्ड जिले हैं, जिनमें अभी भी बचपन में शादी कर दिया जाता है। जैसे अभी उम्र नहीं है समझने की, 12 साल में शादी कर दी, उसे कहते हैं कि बाद में इसका गुना कर देंगे, गुना मतलब आती जाती कर देंगे। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, बेटा मैं इधर लिख रहा हूँ इसका, है ना, अगर आपसे कहा जाए किसका, यानी कि 8 से 15 साल का ओल्ड चाइल्ड है और इसकी पल्स रेट कितनी होगी, हार्ट रेट कितनी, मैंने पहले कहा था आपसे कि 100 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, बीट पर मिनट। आगे की जो रेंज है उसमें क्या करना है आपको, चेंजेस करना है। या 90 था, 4 कम किया, 86 हुआ, अब 6 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 80 to 100 बीट पर मिनट पल्स रेट किसकी होगी, 8 से 15 साल के बच्चे की। यहाँ तक एनी डाउट नहीं है। देन इसके बाद आगे हम बात करते हैं 7 पॉइंट। 15 हो गया, अब यहाँ पे लिख लो 15 एडल्ट लिख लो आप, 15 के बाद एडल्ट आ जाता है, अरे एडल्सेंस आ जाता है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, एडल्ट। अब डायरेक्ट एडल्ट के लिख लो, अब एडल्ट की आप ही बताइए कितने होती है। वेरी गुड, ये लिखी हुई है एडल्ट की, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है एडल्ट के नॉर्मल जो पल्स रेट होती है, लिखा हुआ ही है, देखो आप लिखा है कि नहीं, तो कितना इसका कितना होगा, एडल्ट की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, 60 से 100 बीट पर मिनट। रेंज एवरेज कितनी होगी, 72 बीट पर मिनट। ये बात आपको समझ में आई। अब आपसे पूछा जाए यानी कि 8 पॉइंट नंबर 8, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है ओल्ड एज में पूछा जाता है, यानी कि ओल्ड एज में पल्स रेट कितनी होगी, ओल्ड एज में कार्डिक रेट। आप देखो ओल्ड एज में क्या होता है बेटे, ये आर्टरी की जो वाल होती है ना, ये हार्ड हो जाती है बुढ़ापे में। ओल्ड एज में ये जो देख रहे हो आप, ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा बीपी भी इंक्रीज हो जाता है, बुढ़ापे में बीपी इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज। ये दिमाग मत लगा लेना कि बुढ़ापे में बीपी बढ़ता है हार्ट रेट भी बढ़ती होगी, बच्चे से दिमाग लगाते हैं हार्ट रेट घटती है बीपी बढ़ता है, दिमाग नहीं लगाओगे ना बेटा बीपी, क्योंकि ये फैलेगा नहीं तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना यार, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ये हार्ड हो जाती है बुढ़ापे में, ये वाल क्या हो जाती है, हार्ड। और इसका हार्ड होने को हम क्या बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलेंगे, राइट। और ये कब होता है, ओल्ड एज में, कब होता है, ओल्ड एज में होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है, क्या होता है, बीपी इंक्रीज होता है, बट पल्स रेट डिक्रीज होती है, पल्स रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। आप रनिंग करते हो, आपका बीपी बढ़ता है, लेकिन पल्स रेट नो चेंज, चेंज नहीं होता है उसमें, बीपी बढ़ने से पल्स रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
हाँ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, आप जल्दी जल्दी ब्रीथिंग आप लेते हो ना उसमें हो जाए, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं आता, ये बात आपको बेसिक चीज याद रखनी है। तो अभी आपने कितना पॉइंट लिखा, यानी कि नॉर्मल पल्स रेट 8 पॉइंट। हाँ ओल्ड ओल्ड एज, बेटा ओल्ड एज की होती है, मैंने कहा था कि टॉडलर से पीछे की तो छेड़ना ही नहीं है। ये 100, मैंने यहाँ लिख दिया 100 बीट पर मिनट। अब इधर कितना करना है, 42 100 बीट पर मिनट। अब एक बार देखिए, आप लिखना बाद में, अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा पेट के अंदर है, फीमेल का गेस्टेशनल पीरियड चल रहा है, ऐसे घुमा के पूछेगा आपसे, 12वां महीना 12वां वीक चल रहा है, 12वीक चल रहा है, तो उसके अंदर जो बेबी नॉट बेबी जो गेस्टेशनल प्रोडक्ट है उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होगी, पल्स रेट हटा के बोल देगा कार्डिक रेट क्या होगी। बात दोनों एक ही है, कार्डिक रेट पूछे या पल्स रेट पूछे, दोनों एक ही है, ठीक है। तो आप कितने बताएंगे, 140 से 160 बीट पर मिनट। आप कह रहा है कि बच्चा जस्ट डिलीवर हुआ है तो उसकी पल्स रेट कितनी होगी। जस्ट डिलीवर होते हैं आपको वाइटल साइंस असेस करने पड़ते हैं, अपगार स्कोर मेंटेन करना पड़ता है, तो कितना होगा, 120 से 140, 120 to 140 बीट पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए इन्फेंट की कितना होगा, इन्फेंट का मतलब होता है 28 दिन के बाद से लेके 1 ईयर तक का, 28 दिन के बाद से लेके 1 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट, और उसकी कितनी होगी, 115 से 130 बीट पर मिनट होगी। कितनी होगी, 115 से 130 बीट पर मिनट होगी। बेटा ये बात आपको समझ में आई। देन इसके बाद आपसे पूछे कि 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड की कितनी होगी, ठीक है। 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड की, टोडलर की, 90 to 100 बीट पर मिनट होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 4 to 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड की कितनी होगी, टॉडलर से याद रखना कि पीछे की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं करना है, नो चेंज। देखो मैंने यहाँ 100 लिखा है, राइट 100 आ गया ना यहाँ पे, इसके बाद मैंने कहीं पर भी 100 को चेंज नहीं किया है। देखो आप कहीं भी 100 में चेंज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, सिर्फ आगे की वैल्यू को चेंज करना है। 90 से 100 किसका हो जाएगा, 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड का, 86 to 100 किसका हो जाएगा, 4 to 8 ईयर चाइल्ड का, और 8 to 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड का कितना हो जाएगा, 80 to 100। एडल्ट का कितना हो जाएगा, 60 से 100, 60 to 100 बीट पर मिनट। ओल्ड एज में कितना हो जाएगा, 40। याद रखना एडल्ट के कंपैरिजन में ओल्ड एज वाले पर्सन की हार्ट रेट पल्स रेट डाउन रहती है, ओल्ड एज की कंपैरिजन में एडल्ट का ब्लड प्रेशर डाउन रहता है और उसका ज्यादा रहता है। याद रखना ओल्ड एज में, ओल्ड एज और एडल्ट, राइट। एडल्ट में अगर मैं यहाँ एडल्ट और ओल्ड एज, समझ रहे हो आप, अगर इसकी बात करूं मैं पल्स रेट की, इसकी क्या रहेगी, इंक्रीज। इसकी इसकी तुलना में इसकी क्या रहेगी, डिक्रीज। अगर मैं बात करूं बीपी की, इसकी क्या रहेगी, ओल्ड एज की तुलना में डिक्रीज, इसकी क्या रहेगी, इंक्रीज, बिकॉज आर्ट्रियो स्क्लेरोसिस की वजह से, राइट। पहले आप ये लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे पहले, इधर वाला पल्स रेट, ये वाला इधर का बनाएंगे पहले, ये वाला, राइट, समझ गए आप, पहले इधर का फिर इधर का 1 by 1 करके। आपको ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया याद रहना चाहिए। टेकिका मीन्स इंक्रीज, मोर देन, और ब्रेडिका मीन्स लेस देन।
मैं सुनूंगा अरमान आपसे भी। ओह।